हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया किचन में। चलिए आज हम चाउमीन बनाना बताते हैं जो हमारे घर में बनता है। तो पहले मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई बसा लिया है। अब इसमें पानी डालूंगी। अब इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते, फिर इसमें चाउमीन उबालेंगे। देखिए पानी थोड़ा सा गर्म है, तो इसमें ये चाउमीन डालते हैं। इसे ढक देते हैं। इसी उबलते हुए चाउमीन में 3 छोटी चम्मच नमक डालते हैं। आधा नमक पानी में तो चला जाएगा। देखिए ये पूरी तरह से उबल चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं ऐसे ही एक बर्तन में, जिससे इसकी पानी नीचे निकल जाएगा। अब इसे ठंडे पानी में धो लेते हैं। देखिए प्याज को मैंने ऐसे काटा है और इस तरह लंबी लंबी, और ये हल्दी, ये छोटी छोटी हरा मिर्च कटी हुई, ये चाउमीन पाउडर। अब कढ़ाई गरम हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं। देखिए ये एक कटी हुई प्याज है। एक कटी हुई हरी मिर्च। देखिए प्याज भून चुका है। अब इसमें ये चाउमीन पाउडर डालते हैं।
अब इसे अंडे के साथ बनाएंगे। हमारे किचन और पूजा घर एक साथ है, तो हम किचन में नॉन वेज चीजें नहीं लाते, इसे बाहर जाके फिर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक और ये चाउमीन मसाला और ये हल्दी सब एक साथ मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अब तवा में तेल दे चुके हैं, अब ये प्याज ऐसे दे देते हैं। अब इसमें ये देखिए ये अंडा और चाउमीन पूरी तरह से हो चुका है। अब इसमें ये चिली सॉस थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं इसकी टेस्ट के लिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप देखिए और बनाइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रहती हूँ।